आज आपने एक गाड़ी पकड़ी है जो पूंछ नंबर की गाड़ी है, जिसमें 97 के करीब जो स्लीपर्स है और ग्रीन स्लीपर्स हैं। क्या बताएंगे इसको लेकर, किस तरह की रिकवरी है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? ऐसा है कि हमें कुछ क्रेडिबल इनपुट्स थे कि ऐसे एक गाड़ी आ रही है जिसमें 97 नक्स है, मिक्स्ड है, जोदार भी है, केल भी है। पूरी तफ्तीश अभी चल रही है, तो उस इनपुट्स के बिहाफ पे हमने नाका लगाया था हमारी भंडारपुर चेक पोस्ट पे। और जो हमारे मुलाजिम थे वो रात से ही तैनात थे, रात 11-12 बजे से, और सुबह हमें इसमें सफलता मिली है। कुछ करीब 4:30-5 बजे के करीब हमने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया है और उसमें जो नग थे वो हमने जब्त कर लिए हैं। अभी बड़ा ही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बड़ी ही शुरुआती दौर पे है, तो हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या था, ये डेस्टिनेशन क्या है, ये कहाँ लेके जाने की इनकी मंशा थी, कौन कौन इन्वॉल्व है, अगर कोई इसके पीछे नेक्सस है तो वो भी कौन सा नेक्सस है। और अब ऐसे संगीन मामले में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ताकि हम सही मायने में जो कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर लाएं, क्योंकि ये तो शायद सिर्फ मोरा हो, इनके पीछे जो है उनका हम सामने लाएंगे चेहरा। और इसको तफ्तीश से जांच करके आपको कुछ ही दिनों में एक क्रेडिबल आउटपुट, क्रेडिबल रिजल्ट देंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये एक मिसाल हो, ये डिटरेंट पैदा करे, बाकी इन केस जो भी इन फॉरेस्ट ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं वो डिटरेंट पैदा हो और वो आगे से ये करनी गलती करने से पहले सोचा सकते। कोई गिरफ्तारी हुई है, नाम शाम कुछ जो? नाम बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि बड़ा ही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, बट जो ड्राइवर है गाड़ी का वो हमारे पास है और हम अब इसको प्रोसीड करेंगे ऑथराइज्ड ऑफिसर और जिन भी अप्रोप्रिएट फोरम्स में, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, तो लॉ के हिसाब से इसमें आगे चलेंगे। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है, तो आप उसको देख रहे हैं क्या उस एंगल से भी इसको, क्योंकि जो जहां से ये लकड़ी आई है वो दूसरे डिवीजन की लकड़ी है, वहां से आपके डिवीजन में क्रॉस हुई, तो इतना जो एरिया है वो कैसे क्रॉस किया इस पर? नहीं हुआ है कि ये किस डिवीजन से आई है और कहां जा रही है, ये इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं और इन्वेस्टिगेशन में यही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन से डिवीजन से आई थी, किसने किया है, कहां जा रही है, यही एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है और उसको करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें कौन इन्वॉल्व है और कौन सी डिवीजन से आया है। सर, डिफरेंट एरिया से रिपोर्ट्स आ रही है कि ग्रीन फैलिंग्स हो रही है और बाद में आग लगाई जा रही है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? और एक प्रोजेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया था कि ट्रेप कैमराज लगाने के लिए, जो CCTVs हिडन कैमरे लगाने थे, तो वो प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा और कितना इम्प्लीमेंट हुआ अभी तक? मड़वा फॉरेस्ट डिवीजन तत्पर है कि हम ये सारी जो फैलिंग्स हो रही हैं, अगर डैमेज हो रहा है तो उसको हम पकड़ें और हम उसको बाज़ाब्ता रिपोर्ट करते हैं, उसका सीज़र करते हैं और जो कल्प्रिट्स को सामने लाते हैं। अब अगर ये हमसे कुछ इसमें रह गया है तो हम इसमें और भी जोर लगा रहे हैं और भी जो कल्प्रिट्स हैं वो सामने लाए जाएंगे। कैमरा ट्रैप की बात करें तो बड़ी ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट इसकी टेरिटोरियल डिवीजन में कितना फ़ायदेमंद है वो उस पर बड़ी अभी शुरुआती दौर में चर्चा चल रही है। अगर उसकी इफेक्टिवनेस प्रूव होती है तो हम वो भी लगाएंगे और धीरे धीरे इसमें होता है। सर, ये 97 स्लीपर्स है, अगर तो 40 से 50 पेड़ भी कटे हुए होंगे तो जहां वहां पे जो फॉरेस्टर और रेंजर जो वहां पे तैनात होंगे, जिनकी ड्यूटी वहां पे होगी, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 40 से 50 पेड़ कटना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाता है, और बिल्कुल प्रूव होगा, और हम इसकी सोर्स का पता लगाएंगे कि कहां से ये हुआ है, और वो जिसकी भी ज्यूरिसडिक्शन में, उस पर तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर, मार्किंग की बात चल रही थी, जो फॉरेस्ट मार्किंग है वो कब होनी है, क्योंकि काफी सालों पहले हुई है और अब जो फॉरेस्ट मार्किंग की आड़ में ही जो है ये पेड़ कटाई हो रही है? और आपको इस बारे में इल्म नहीं है, बट इनुमिनेशन और मार्किंग हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर साल होता है। आप RTI दायर करें, हम आपको बताएंगे कि इस साल हमने कितनी मार्किंग की, कितनी इनुमिनेशन हुई, तो ऐसा नहीं है कि मार्किंग रुकी हुई है, मार्किंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। पिछले साल भी हमने की मार्किंग, वो फॉलन ट्रीज की हम मार्किंग करके फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इसकी, उसको दी जाती है और फिर उससे रेवेन्यू जनरेट होके गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी में वो पैसा जाता है। सर, लोकेटेड कई महीने पहले जो है चारों तरफ से जंगल जलने की आपने भी खबर देखी होगी, देखा होगा चारों तरफ जंगल जल रहे थे, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ये कि ये स्मगलिंग छुपाने के लिए जो है जंगल में आग लगा दी जाती है, जो लोग स्मगलिंग करते हैं वही लोग जंगल में आग लगा दी जाती है, इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि हर साल आपने देखा होगा जब भी जो है सर्दियों का टाइम आता है तो जंगलों में आग लगा दी जाती है और उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो गुजर बकरवाल वहां पे जो है अपनी भेड़ बकरियां लेके जाते हैं वो जो है अपनी ठंड से बचने के लिए आग जलाते हैं और वही जो आग जो है जंगलों में फिर फैल जाती है, तो इस पे क्या बोलेंगे? जो फायर है वो दो प्रोसेस से होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैनमेड।
तो जो पिछले साल आप नवंबर दिसंबर की फायर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि इट इज़ वन ऑफ द ड्राइस्ट सीजन बहुत से सालों में पिछली बार हुआ है, तो नेचुरली भी था। और मड़वा फॉरेस्ट डिवीजन में जो फायर थी, जो इंसिडेंसेस थे, कुछ नेचुरल थे और उनको हमने बड़ी जल्दी काबू पा लिया था। फॉरेस्ट फायर की आड़ में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए हमने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना। सर आखिरी सवाल ये कि लोग बोलते हैं कि जो लीगल तौर पर हम लकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और उनकी एप्लीकेशन काफ़ी देर से पेंडिंग है, इसलिए वो मजबूर होते हैं कि फॉरेस्ट जो नेक्सस है उससे जो है वो लकड़ी सस्ते दामों पर खरीदें, तो आप इस पर क्या बताएंगे? देखिए, जम्मू फॉरेस्ट नोटिस और कश्मीर फॉरेस्ट नोटिस के तहत हम कंसेशंस देते हैं, बट वो कंसेशन की ये लिमिटेशन है कि वो उस इंसान को जिसने वो अप्लाई किया है वो उसी कंपार्टमेंट का निवासी है, उसी कंपार्टमेंट की वो नियर बाई रहता हो। अब अगर डिमांड है कि 2000 एप्लीकेशंस आती हैं या 3000 एप्लीकेशंस आती हैं, तो इतनी डिमांड लकड़ी की नहीं है जो हम उनकी पूरी की जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 200 या 300 दे पाएंगे मैक्सिमम, और हमें ये भी उसमें इंश्योर करना होता है कि उसकी गार में कोई डैमेज ना हो, तो हम इंश्योर करते हैं कि फॉलन हम दें। फॉलन इतनी मात्रा में होता नहीं है कि सारों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तो ये डिमांड और सप्लाई का मुद्दा है। इसमें जितनी डिमांड है कंसेशनिस्ट की वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है, बट इस पे मैंने ये करने की कोशिश की है कि मैं इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके ये करूँगा कि इसमें जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए, और जो APL के ऊपर हैं, जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, वो रजिस्टर्ड डीपो से लकड़ी लें। उससे क्या होगा कि सिर्फ गरीबों को मिलेगा तो हमारी डिमांड भी थोड़ी कम होगी और हम उनको मीट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो लोग खरीद लेते हैं फिर लकड़ी, वही नेक्सस से जो बात आई। हाँ, जो आप नेक्सस की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कंपार्टमेंट वाइज। मिसाल के तौर पे कंपार्टमेंट नंबर 39B दक्षिण में पिछले साल 21 कंसेशंस हुई हैं, तो 21 कंसेशंस ही दी गई हैं, उसमें एक ज़्यादा एक कम की मात्रा नहीं होती है। जो इलिसिट डैमेज की आप बात करें उस पर कार्रवाई चल रही है और उस पर हम बजाबता केसेस रजिस्टर करते हैं और कर पुलिस को सामने लाते हैं। सर थैंक यू, वेलकम।